आज तो गांधी जी ने सिखाया था कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लड़े थे, इसलिए हम लोगों ने 2 अक्टूबर का डेट तय किया था। योगी मोदी होश में हो, अलग से आरक्षण दिया जाए और ये महिला आरक्षण बिल 2024 चुनाव से पहले लागू किया जाए। हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। लागू करो, लागू करो, महिला आरक्षण ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। तानाशाही चलती है तो वहाँ गांधी जी को याद किया जाता है, उसके कि गांधी जी तानाशाही खत्म किए हैं, तो इसके बारे में आप देखिए पुलिस वाले जो बैरिकेटिंग किया बता रहे हैं कि वो जा रहे थे ज्ञापन देने, तो आपको रोका गया इस पे आकर। देखिए आज तो पहले मैं महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पे सत सत नमन करता हूँ। आज हम लोगों का कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि आज गांधी जयंती है, आज तो गांधी जी ने सिखाया था कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लड़े थे, इसलिए हम लोगों ने 2 अक्टूबर का डेट तय किया था कि हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे और एक ज्ञापन देना था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से देखे जा रहे थे, लेकिन योगी जी की जो पुलिस है एक पिछड़ों दलितों की खिलाफ ही कार्रवाई करती है। हम पिछड़ों की आपको संख्या पहले ही बता चुका हूँ 70% है, तो बताइए पिछड़ों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम सत्य और अहिंसा और गांधी जी के हम मानने वाले हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी गांधी को मानती है, बीजेपी गोड़से को मानती है, इसलिए गोड़से वाला कार्यक्रम बीजेपी करती है। हम गांधी जी के रास्ते पर चल के राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे, अगर पुलिस आगे नहीं जाने देगी तो हम शाम तक यहीं बैठे रहेंगे। अगर पुलिस आपको आगे नहीं जाने देगी तो आप शाम तक यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ, कर दे। महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस के नेता आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, योगी मोदी होश में हो। के बारे में हम ओबीसी विभाग के द्वारा आज शांतिपूर्ण ढंग से राज्यपाल महोदय को संबोधित राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे थे, जिसमें हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी ओबीसी में आरक्षण दिया जाए, महिला बिल में आरक्षण दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए बैरिकेडिंग। हाँ, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमें यहाँ रोक लिया गया है। ये योगी और मोदी की सरकार तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र में आम आदमी को अपनी आवाज उठाने का भी हक नहीं है। जैसा कि इन्होंने साफ कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं, पुलिस बैरिकेटिंग करके इन्हें रोक रही है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता महिला आरक्षण को लेकर इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम उनसे बारे के बात करते हैं। क्या मामला? देखिए सर, ये महिला आरक्षण बिल जो मोदी ने साजिश के तहत लागू किया है, एक तरफ से सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया है। आज ही हमारी बिहार में जाति जनगणना का डाटा जारी हुआ है, जिसमें हमारी संख्या बिहार में 63% है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश में हमारी संख्या 70% ओबीसी की है। तो हमारी मोदी सरकार से मांग है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को अलग से आरक्षण दिया जाए और ये महिला आरक्षण बिल 2024 चुनाव से पहले लागू किया जाए। लेकिन इनका कसाब कहना है महिला आरक्षण बल 2024 से पहले लागू किया जाए, अगर ओबीसी अगर इंक्लूड नहीं किया जाता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए इसके लिए हम संसद में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर हम कार्यकर्ता जान लगा देंगे और ओबीसी ईंट से ईंट बजा देगा। और नरेंद्र मोदी अगर लागू नहीं करते हैं तो 2024 में सत्ता से बाहर करके और कांग्रेस पार्टी आते ही ओबीसी को SC ST को अलग से आरक्षण देंगे हम लोग और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी, इनका साफ कहना है कि आरक्षण अगर नहीं मिलता है तो संसद में उनके खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा।